ये जो जमी दोज मकान देख रहे हैं आप, ये है बलिया नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 का। किसी मजलूम का गिरा हुआ ये मकान विकास की गाथा लिखते समय गिर गया। जब ठेकेदार महोदय नाले के लिए खुदाई कर रहे थे तो इनके सीने में हुक मार रहा था। ये पैरों पर गिर रहे थे कि महोदय मेरा मकान गिर जाएगा। लेकिन इस विकास के गाथे में जो कमाई की गाथा लिखी हुई है, वो कमाई की गाथा करने वाले किसकी सुनने वाले हैं? और गिरा दिया इस मजलूम के मकान को। जो लोग बिलक रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, उनके दर्द को शायद आप महसूस कर सकते हैं, जिस दर्द को ना के यहाँ की पदाधिकारी महसूस कर सके, ना यहाँ के जननेता। एक बेचारा कोई गया जो बस इनके गाथा को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया, देखे इनके दर्द को। मिलेल कोई नहीं लो आई जा तोरा कालो ने कि घर गिर गेले हम सब्जी वो हम सुतल रहिए अगर मर जेतिए तब हम कहलिए तू कल के हम की करबो तो ठेकेदार 10 बजे तक पूछो हो तो और कालो ने हमरा करबो करतो वया ने सब अइतो तब की कल को हमें कुछो नहीं कर सके छी ना कालो ने जब मना करा गेलिए तो किया ने रोकबै लो नाला तो वया ने हमें कहलिए कि लाला ने बनबो हमर घर गिर जेते बात नहीं मान ले लाला खान दल के अभी हमारे अच्छा ये मौसम में नाला बनवे के समय अच्छा ही बरसात के मौसम में तो हमार घर गिर गेले हमार सब बाल बच्चा यहां छिपाए गेल ये पोल हिल रहा है तो ये सब जी वो घर में पोल भी दा जैसे इस दादी मतलब पूरा खाद्य में खाली रखल छे पोल आ खाली वो मट्टी इतने वो मट्टी छवा वो आवाज आ खड़ा रह अब के बालू नहीं है बाबा हां वो हम कथि ने मोबाइल में चल हां हम मना के लिए एक बिजली चालू छे ना हां बिजली चालू छे कैसे हुआ ये घर गिर गया कैसे गिरा घर घर नाला खान रहा तो उसी वजह से ने गिरा मना किया नहीं मना तो आप वार्ड पार्षद को नहीं बोले थे बोला तो क्या बोला वार्ड पार्षद फिर भी नहीं है मना वो खान दिया तब क्या करेगा उस अच्छा ये जो पीछे देख दिख रहा है कि पोल में जो है रस्सी बंधा हुआ है ये काहे बंधा हुआ है ये बेबैलेंस है इसका यानी नीचे खड्डा में खड़ा है पूरा खाता है तो इसके बारे में नहीं बोले आप वार्ड पार्षद को या नगर के अधिकारी को या ठेकेदार को बोला तो कुछ बोलबे नहीं किया था हम रस्सी बनवा दिए उसको समझ और रस्सी बनवा दिए तो आपको पता होना चाहिए कि चालू बिजली है ना इसमें हां चालू बिजली है इसमें तो बिजली चालू है अगर कल गिर जाता है किसी को करंट लगता है तो क्या होगा वो कुछ बोलबे नहीं किया तो रात में 12 बजे इसको रस्सी बांधे और उसके बाद बारिश छूटबे नहीं कर रहा तो घर भी गिर गया देखो अच्छा ये सामने जो कहाँ तक की खाई वो मतलब किया हुआ है पीछे 400 फीट के लमसम होगा कदा अच्छा वो घर के ऊपर भी अब गिरने का खतरा बना हुआ है उसके घर पर भी गिरने का खतरा बना जी, हुआ है जी। तो आप लोग रोके क्यों नहीं कि बरसात के मौसम में नाला नहीं बना रहे ने किया तो क्या करेगा वार्ड पार्षद से शिकायत किए थे इसका शिकायत भी हुआ सब बात भी हुआ फिर भी नहीं माना खदा कर दिया ना यहाँ आप देख रहे हैं कुछ सरकारी सहयोग दिख रहा है जिसमें कि हमें तो बस आपदा में अवसर का उपयोग लग रहा है जहां मात्र 10 से 15 मीटर नाला बना करके नाले से जोड़ा जा सकता है वहां ना जोड़ करके जब जब बरसात हो तब तब इस तकनीकी सिस्टम से वहां के पानी को निकाल करके यूं समझें कि एक काम का अद्भुत तरीका ढूंढा गया है।